बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और हैरियत से होंगे। सर्दियों का मौसम चल रहा है और फ़िश ऑलमोस्ट हर घर में बनाई जाती है, तो फ़िश को मैरिनेट करने के लिए जो मसाला है, कभी हम घर में रेडी कर लेते हैं और कभी हम बाज़ार से ले आते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि फ़िश मैरिनेशन के लिए जो मसाला है वो घर में किस तरह से तैयार किया जाता है और उसका टेस्ट बिल्कुल उस तरह से आएगा जैसे कभी आप बाज़ार से मैरिनेशन के लिए मसाला लेके आते हैं या आप रेस्टोरेंट से या किसी होटल से फ़िश खाते हैं, तो उसका टेस्ट उस मसाले का बिल्कुल आपको उस तरह से आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमक हमने हसबे ज़ायका ले लिया है, 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 2 टेबलस्पून साबित काली मिर्च है, 5 से 6 छोटी इलायची के दाने हैं, 2 बड़े साबित दालचीनी के टुकड़े हैं, 10 से 12 लौंग हैं, 4 टेबलस्पून साबित गोल मिर्च ले लिए हमने, 1.5 टेबलस्पून अजवाइन है, 3 टेबलस्पून साबित धनिया है और 3 टेबलस्पून ज़ीरा हमने लिया है। फ़िश के जो फिलेज हैं इस वक्त हमारे पास वो तकरीबन 1/2 kg ईच है। तो आइए पहले मैरिनेशन के लिए मसाला बनाते हैं। फ़िश मैरिनेशन का मसाला बनाने के लिए मैंने एक पैन में साबित गोल मिर्च डाल दी है, साथ में मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर दूंगी और काली मिर्च डाल दूंगी, साबित धनिया ऐड कर दूंगी और ये जो खड़े मसालों में हमारे पास लौंग, दालचीनी और छोटी इलायची थी ये भी ऐड कर दूंगी और इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। फ्लेम आपने जस्ट स्लो से मीडियम रखना है, बहुत हाई नहीं करना क्योंकि उससे जो मसाला है वो जल जाएगा, इसलिए जस्ट स्लो से मीडियम फ्लेम रखते हुए इसको 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लें। उससे ये होता है कि जब आप मसाले ग्राइंड करते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और यही टेस्ट जो है फिर फ़िश में भी आता है और फ़िश का टेस्ट जो है वो बहुत इन्हांस हो जाता है। सो 2 मिनट हो गए हैं इनको रोस्ट करते हुए, अब मैंने फ्लेम बंद कर दिया है और इसको मैं 1/2 आवर के लिए रख दूंगी ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए और उसके बाद फिर मैं इसको ग्राइंड करूंगी। ये मसाले मैंने मिक्सी जार में डाल दिए हैं और साथ में मैंने इसमें नमक, हल्दी और जो अजवाइन थे वो भी डाल दिए हैं, इनको अब मैं ग्राइंड करती हूँ। सो ये ग्राइंड करके फाइनली हमारा फ़िश मैरिनेशन का मसाला तैयार है और इससे जब आप फ़िश को मैरिनेट करेंगे तो यकीन माने बिल्कुल इसी तरह से फ़िश तैयार होगी जैसे आप किसी रेस्टोरेंट से फ़िश खा रहे हैं। ये मसाला 5 से 6 महीने तक आप आसानी से एक एयर टाइट जार में सेव कर सकते हैं अगर टेम्परेचर जो है वो मीडियम है, और अगर आप इसको बाहर रखते हैं तो 1 से 2 महीने आसानी से चल जाएगा, लेकिन अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो 5 से 6 महीने तक आसानी से ये जो मसाला है ये निकल जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप ज़रूर इस तरीके से फ़िश मैरिनेशन का मसाला बनाइएगा और ट्राई करिएगा, अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।